Au. गाइस वेलकम टू प्राशिका व्लॉग्स, आई एम साक्षी। ये हर बार होता है कि मैं अपने कुकिंग का जो व्लॉग है वो यहीं से शुरू करती हूँ। वैसे तो वो एक और अच्छा व्लॉग आने वाला है, लेकिन अभी मुझे मौका मिला बनाने का। मैं वैसे मौके ढूंढ रही थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था व्लॉग आने में और मौका भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस टाइम मैं अपने इंटरव्यूज में बिजी हूँ। आज भी मैं गई थी और मैं क्लिप दिखाऊंगी कि कैसा मेरा स्ट्रगल रहा आज का। अभी ये जो व्लॉग रहेगा वो जस्ट अकॉर्डिंग टू हेडलाइन कुकिंग का रहेगा। कुकिंग में मतलब वैसे तो डिनर का टाइम है, पर इस टाइम मेरा मन कर रहा है सैंडविच बनाने का क्योंकि कल से है नवरात्रे शुरू। और अब जब ये व्लॉग अपलोड कर होगा तो नवरात्रे शुरू हो चुके होंगे और नवरात्रों में मैं साग रखूंगी तो मैं ब्रेड नहीं खा पाऊंगी। तो मैं अभी थोड़ा टाइम मिला, मुझे क्रेविंग भी हो रही है, तो मैं वो सैंडविच बनाऊंगी। तो चलो बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि कैसा बना और क्या 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 चीज़ें मैंने, मतलब मैं बहुत सिंपल बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगी लेकिन अच्छा बनाऊंगी। ठीक है, चलो सीटी आ गई। तो अभी इसमें 3 से 4 सीटी आ चुकी है, चौथी सीटी है, जबकि मुझे नहीं लेनी चाहिए। पर जो आलू है वो मतलब वो आलू 2 सीटी में नहीं बॉईल होते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है। तो अभी 4 सीटी हो गई है, फिर इसकी थोड़ी सी इसमें भाप हो जाए, आलू 6 से बॉईल हो जाएंगे। वरना मेरे साथ हर बार ऐसा होता है कि मुझे मतलब हर बार मेरे कच्चे रह जाते हैं, 2-3 में आलू बॉईल नहीं होते अच्छी तरीके से। जितने आलू बॉईल हो रहे हैं, मैं दिखाती हूँ कि हमारी प्राशिका ब्लॉग्स की दूसरी पार्ट काया वो क्या कर रही है। देखो पूरा दिन ये लड़की यहीं बैठती है, पहले अपनी हाथ ट्रेनिंग करते हैं, इसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, फिर ये यहीं बैठती है और फिर इसकी मूवी होती है चालू। पता नहीं क्या ये बवाल देख रही है, क्या देख रही है? हैप्पी फैमिली कंडीशन अप्लाई, कुछ नहीं, अच्छी सीरीज है। तो तू ऐसा एडवाइस करना चाहेगी कि क्या ये वाली वेब सीरीज देखनी चाहिए? हाँ देखो, फन लविंग है, फैमिली के मतलब ठीक है, एक फैमिली की स्टोरी दिखाई है, बट ऑब्वियसली आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हो, दैट्स व्हाई अमेज़न प्राइम पे ही है। अच्छा, ऐसी वेब सीरीज बता जो हमें देख लेनी चाहिए मतलब इस टाइम पे, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं। हैप्पी फैमिली कंडीशन सप्लाई, फर्जी, हाँ वो तो होगी, और जो भी देखना देख लो। 5 शाहिद कपूर की फिल्म जो देख लेनी oh चाहिए जिसने नहीं देखी अब तक, जर्सी, हैदर, और काफी सारी हैं। जब भी मेट देखो, बहुत लोगों ने देखी होगी, विवाह भी बहुत लोगों ने देखी होगी, बट जो काम जर्सी में है, जो काम उड़ता पंजाब में है, जो काम हैदर में है, जो काम कमीने में है, और एक है बदमाश कंपनी, तुम लोग ये चारों पांचों देख सकते हो, काफी अच्छी है। क्या किसी को पता है कि मैंने इससे शाहिद की मूवी की पूछी? वो सबको पता है यार, ऑब्वियस है। अच्छा मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसका अपना फैन पेज है जो कि शाहिद कपूर के नाम से है। और कितने फॉलोवर्स है डॉली उस पे? ये ज्यादा नहीं है, 29 के बस, और 29,000 है, ज्यादा नहीं है। हमारे प्राशिका ब्लॉग्स पे तो 4,000 भी कंप्लीट नहीं हो रहे। तो खाए की सैंडविच जो भी ऑर्डर किया? ऑब्वियसली ब्रो, ब्रेड मैंने मंगाई है। पैसा किसने दिया? यूपीआई मेरा, ऑर्डर किस? मेरा यूपीआई था, मैंने पे किया है। मैंने ऑर्डर किया है, मेरे नंबर पर कॉल आने वाली है और ऑर्डर आने वाला है। तो आलू हो गए हैं बॉईल और मैं आलू को छीलने के बाद हमारे कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे बनाऊंगी आलू के पिट्ठे बटर से और मसालों से। ठीक है, फिर उसको हम ब्रेड के अंदर डालेंगे क्योंकि चीज़ और ब्रेड आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आलू छील कर फिर आती हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर मैंने आलू छील लिए और आलू को थोड़ा सा बहुत मतलब लाइट मैश कर लिया है। उसके बाद अब रख ली है मैंने यहाँ पर कढ़ाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम उसकी पिट्ठी बनाएंगे और पिट्ठी बहुत सिंपल बनेगी, बटर डाल के, थोड़ा सा मसाला डाल के, वो आलू डाल के, और मन कर रहा है ऐसे खा लूँ, लेकिन नहीं, ये ब्रेड और चीज़ पर भी लगानी है। तो मैं दिखा रही हूँ मैं कैसे करूँगी। कढ़ाई हो रही है गर्म, keep you in my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back, I remember when we were staring photo। तो अब मेरे पास थे ब्रेड का पैकेट और चीज, तो हम क्या करेंगे, ब्रेड में जो हमने पिट्ठी बनाई है वो हम डालेंगे और फिर चीज डालेंगे, फिर गैस पे सेक देंगे।
एक आध और बनाना है क्योंकि पिट्ठी बची है, लेकिन मैं बता दूँ कि वो बनने के बाद कैसा लग रहा है, उन्होंने जब कट किया तो इतना प्यारा लुक आ रहा है। सजा लिया है और केचप भी ले लिया है, तो चलो। तो डॉली चीज सैंडविच रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले तो दिखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, खाओ और टेस्ट करके सबको बताओ कि कैसे बने। प्यारे हाँ, अभी दिखाती हूँ, रुक ऐसे देखते हैं, ऐसे यहाँ से कितना प्यारा। अरे ये वाला नहीं है, घी वाला। हाँ कितना प्यारा लग रहा है। तो बता भाई कैसे है ये सैंडविच, देखो कैसे लग रहे हैं। कैचअप नहीं यूज़ करेगी, नॉर्मल है। मैं अच्छा बोल। हाँ कैसे लगे बताओ। अच्छा है। करवाओ आओ। तो यहाँ मेरी प्लेट भी हो गई है तैयार, बस मैं थोड़ा सा केचप और डालूँ, और इतनी बड़ी प्लेट तैयार हो गई कि 5 जने तो खा ही लेंगे इस प्लेट। तो मैं बस इनको खा के फिर बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा। इसमें आलू का ज्यादा आया, मैंने आलू ज्यादा भरे थे, इसमें ज्यादा चीज है। नॉर्मल है, वही चीजें चीजें फील हो रहा है। तो अब मैं बिल्कुल सही रिव्यू दूंगी। मैं बाहर मजाक कर रही थी जब टॉली रिव्यू दे रही थी कि हाँ तो अच्छा बोल अच्छा बोल। रिव्यू ये कि जैसे आलू सैंडविच होते हैं उसी तरीके से थोड़ा चीज डालते हैं, तो थोड़ा चीजी हो गया, एक चेंज हो गया। और वैसे मैं ये वाले खाती रहती हूँ बाहर, तो और ज्यादा अलग होते हैं, उनमें और भी चीजें मिली होती हैं, पर ठीक है। वेल खाना डिनर हो गया इस चक्कर में। तो चलो आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं ऐसे और ब्लॉग लाती रहूँगी, सिर्फ ऐसे ही नहीं, अभी तो और डिफरेंट ब्लॉग आने वाले हैं, एक और ब्लॉग आने वाला है लाइन पे है। तो हैप्पी नवरात्रि, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।